पावर में, जहां पे कई राज्यों में करीब बहुत तकलीफ, कई राज्यों में बहुत ज्यादा आउटेजेस, पावर कट, डिस्कॉम्स की हालत खराब, कई प्लांट्स चल नहीं रहे हैं तो जनरेशन कम है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत नहीं किया कई वर्षों से, कोयले के आवंटन, कोयले के उत्पादन, कोयले के संबंध में समस्याएं, और अपारंपरिक ऊर्जा, नवीकरण ऊर्जा में भी बहुत गहरे संकट मुझे विरासत में मिले। This was what the Union Power Minister Piyush Goyal said is the situation of the sector when he took charge as the minister. However, he said in the first 100 days, government could do significant job in showing certain solutions to the existing problems and working together collectively to uplift the sector's performance. Piyush Goyal highlighted the increase in coal production, the plans for solar power projects, working while safeguarding the environment issues during his 100-day progress report. June, July or August mein, jo koile se बना हुआ बिजली का उत्पादन हुआ है वो जून में 20%, 20.8, 20.8% बढ़ा है। जुलाई में फिर 20%, 20.8% बढ़ा है और अगस्त में 22.6% बढ़ा है। एवरेज ऑफ दिस 3 months ऑफ मोदी जी गवर्नमेंट इज 21.4% ग्रोथ। और साथ ही साथ सोलर मिशन को आज नहीं आते हुए सोलर मिशन को बल्कि और एक्सपैंड करेंगे, बोथ विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इनपुट्स टू कीप टेक्नोलॉजी लेवल्स हाई एंड कॉस्ट्स अंडर कंट्रोल। पुराने प्लांट्स जो पर्यावरण के हिसाब से भी अच्छे नहीं है, 25 वर्ष से अधिक पुराने, उनको रिप्लेस करने का ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ क्लियरेंसेज एंड कोल लिंकेजेस की एक नई पॉलिसी हमने निर्धारित कर दी है, जिससे लगभग 32,000 मेगावाट के जो पुराने प्लांट हैं, जो प्रदूषण भी करते हैं, पर्यावरण खराब करते हैं, उनके लिए संभावना खुल गई। Minister also said that his government's target is 24/7 power to all in all the coming years, and the government has already crossed the first step successfully by addressing the major problems. इस प्रकार से हमने 100 दिन में देश को ऊर्जा हर घर तक पहुंचाने का एक पड़ाव क्रॉस किया है। समस्याएं गंभीर मिली हैं, लेकिन विश्वास अटूट है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी सहायता से, आप सबके मार्गदर्शन से और राज्यों के को साथ लेते हुए हम अपने लक्ष्य को एक सीमित समय में, एक निर्धारित समय में, राज्य राज्य के हिसाब से जितना ज्यादा राज्य हमें सहयोग करेगा उतनी जल्द से जल्द उन राज्यों की कुछ 24/7 करते हुए देश में हर नागरिक को 24 घंटे सातों दिन अपने घर में बिजली मिले, इसके लिए वचनबद्ध है, प्रयत्नशील है और पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से इस काम को निभाते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। During the media interaction, Piyush Goyal outlined the government's vision to provide electricity to all, but how far the government will be successful in their objectives can be decided only by the time. Business Desk, DD News.